निर्जला एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक बार भीमसेन ने व्यास जी से कहा, भगवान, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती तथा द्रौपदी सभी एकादशी के दिन उपवास करते हैं और मुझसे भी यह कार्य करने को कहते हैं। मैं कहता हूं कि मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं दान देकर तथा वासुदेव भगवान की अर्चना करके उन्हें प्रसन्न कर लूंगा। बिना व्रत किए जिस तरह से हो सके मुझे आप एकादशी का व्रत करने का फल बताइए। मैं बिना काया कलेश के ही फल चाहता हूं। इस पर वेद व्यास जी बोले, भीमसेन, यदि तुम्हें स्वर्गलोक प्रिय है और नरक से सुरक्षित रहना चाहते हो तो एकादशियों का व्रत रखना होगा। भीमसेन बोले, हे देव, एक समय के भोजन करने से तो मेरा काम नहीं चल सकेगा। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है। पर्याप्त भोजन करने पर भी मेरी क्षुधा शांत नहीं होती है। हे ऋषिवर, आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बताइए कि जिसके करने मात्र से मेरा कल्याण हो सके। इस पर व्यास जी बोले, हे भद्र, ज्येष्ठ की एकादशी को निर्जला व्रत कीजिए। स्नान आचमन में जल ग्रहण कर सकते हैं, अन्न बिल्कुल ना ग्रहण करें। अन्न आहार लेने से व्रत खंडित हो जाता है। तुम भी जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो। इससे तुम्हारे पूर्वकृत एकादशियों के अन्न खाने का पाप समूल विनष्ट हो जाएगा। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करना चाहिए एवं गोदान करना चाहिए। व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने बड़े साहस के साथ निर्जला का यह व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते भीमसेन संज्ञाहीन हो गए। तब पांडवों ने गंगाजल, तुलसी, चरणामृत और प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की। तभी से भीमसेन पापमुक्त हो गए। इस प्रकार पूजा समाप्त करने के बाद आरती करें।